नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। तो फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर उन पर हमला भर रहे बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है और दो राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। घटनाक्रम के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया है कि वो बग्गा को पंजाब नहीं दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को लेने के लिए कुरुक्षेत्र के लिए निकल चुकी है और अब हरियाणा पुलिस ने तेजेंद्र सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया और अब पंजाब पुलिस जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने हालांकि हरियाणा सरकार भी हाईकोर्ट पहुंच गया। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है कि किस आधार पर तेजेंद्र सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। तो हरियाणा की आवाज में आज इसी पर बात करेंगे, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि बग्गा की गिरफ्तारी पर क्या सियासत हो रही है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि तीन राज्यों की पुलिस आमने सामने है और सियासी ड्रामा लगातार मचा हुआ है। तो बग्गा पर सियासी ड्रामा कितना उचित है? बग्गा की गिरफ्तारी हुई है या दिल्ली से किडनैपिंग हुई है, यह बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है और हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने उसी आधार पर बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपा है। लेकिन वहां से पंजाब पुलिस का कहना है कि इन्हें पहले भी 5 बार नोटिस दिया जा चुका था कोर्ट में पेश होने के लिए और आज 1 बजे इनकी पेशी थी तो इन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा था। तो कौन बना रहा है पूरे मामले का माहौल, यह एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में राज्यों का टकराव कितना ठीक है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को घेरी है, हरियाणा पुलिस को घेरी है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो सीधा सीधा आरोप जो है पंजाब पुलिस पर अपहरण का लगा रही है। उनका साफ कहना है कि तेजेंद्र सिंह बग्गा का अपहरण किया गया है, उनके पिता के साथ भी मारपीट की गई है। तो क्या संघीय व्यवस्था हो रही है कमजोर, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि पंजाब पुलिस का कहना है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही हमने उनकी गिरफ्तारी की है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की बात करें तो उन्होंने कहा कि किडनैप किया है। ऐसे में जब उन्हें पंजाब लाया जा रहा था तो कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि बग्गा की गिरफ्तारी पर यह जो सियासी ड्रामा मचा हुआ है कितना उचित है यह सियासी ड्रामा? तीन राज्यों की पुलिस आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, तो सियासी बवाल मचा हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज कराया गया है। पंजाब पुलिस के काफिले को कुरुक्षेत्र में रोका गया है हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस द्वारा, और अपहरण के आधार पर उन्होंने दिल्ली पुलिस को जो है तेजेंद्र सिंह बग्गा को सौंप दिया है। लेकिन इसे बेशुक करेंगे, हरियाणा की आवाज में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आज बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसके बाद किस तरीके से तीन राज्यों की जो पुलिस है वो सियासी ड्रामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। आपको यह भी बता दें जब दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस ने जब हरियाणा पुलिस को यह कहा कि अपहरण किया गया है यहां से, तो हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोका और कुरुक्षेत्र में रोकने के बाद अपहरण का जो केस दर्ज किया गया था उसके तहत कार्रवाई की गई और फाइनली हरियाणा पुलिस ने तेजेंद्र सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया और पंजाब पुलिस जो है वो हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने आधे घंटे में हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है कि किस आधार पर तेजेंद्र सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। हमारे कॉलर मास्टर आरके कालिया जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए, मैं पहले भी कई बार आपको कह चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश में ना तो कोई संविधान है और देश में ना ही कोई कानून है, नंबर एक। नंबर दो, यहां पर केवल और केवल सियासत हो रही है और वो भी घटिया सियासत। जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है हमारे हिंदुस्तान का, नॉन पॉलिटिकल आदमी, देखिए 130 करोड़ की आबादी है लगभग,
उसमें जो नॉन पॉलिटिकल आदमी और जो एजुकेटेड है तो थोड़ा वो दुनिया को जानता है, दुनियादारी को, वो ये कहता भी हमारे देश में हो क्या रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है, हर मुद्दे पर हर बात में मजाक हो रहा है आम शहरी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय कि बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासत हो रही है, एक बड़ा सवाल है। बग्गा पर सियासी ड्रामा कितना उचित है? हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम, ऐसा लगता है ये राजनीति ने देश का भट्टा बिठाने की कोशिश की है। एक्चुअल में देखा जाए तो अभी तक हम सोचते थे कि बीजेपी वालों के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनके जितने बड़े नेता है, आज मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री साहब है या हमारे गृह मंत्री साहब है या हमारे रक्षा मंत्री साहब है, ये एक्चुअल में हमारे देश के लिए होते हैं, ये खाली एक पार्टी के लिए नहीं होते हैं। गृह मंत्री साहब जाके बवाल बंगाल में मचा रहे हैं, आज यहाँ पे देखिए बग्गा को लेके कि आप पार्टी पंजाब में आ गई, इसलिए दिल्ली की पुलिस तो कभी आपके अंडर में आती नहीं है, दिल्ली की पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, फिर उसका नाम खींच दिया गया केजरीवाल जी का। अब केजरीवाल जी ने अगर पंजाब में जीत कर ली तो इसमें उनकी क्या गति है, ये गति क्यों कर रहे हैं ये सर? मैडम, मेरे कहने का मतलब है कि देश में ये जो है ये अपना नुक्ताचीनी करते हैं, पचासों लड़कों को या पचासों आदमियों को या सैकड़ों आदमियों को ये हल्ला मचाने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं, उससे आम जनता को परेशानी होती है और वो आदमी जो बेकार खाते में घूम रहे हैं उनको अपनी कंपनियों में मिला मिला के सजा दिया। मैम, ये कोई बात है कि आप एक देश में राज कर रहे हैं, केंद्र से आप आपके शासित प्रदेश 500 हैं, उसमें आप चाहते हैं कि सारे के सारे 29 के 29 शासित प्रदेश हो जाए, कर लीजिए आप अच्छा काम कर सकते हैं तो, लेकिन आप झूठ झूठ बोल के लोगों को भड़का के लोगों को ऐसी नीयत से करके अगर ऐसा काम करते हैं तो भारतवर्ष जो उन्नति के रास्ते पर चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री साहब ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो 24-24 घंटा में 22-22 घंटा काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनको तो बदनाम कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे कॉलर सूरज भांजी जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। ये जो चल रहा है ये बिल्कुल नाटक है जी। ना पुलिस तो करे तो रोज को तो मर्डर होता है, सरेआम गोलियां चलाती है, उनको तो गिरफ्तार करते नहीं है, बीजेपी की वो चाल में फंस रहे हैं। और ये तो है ही, ये जब से सरकार बनी है ये सेंटर में, अरे हरियाणा सरकार और सेंटर में मोदी सरकार, ये सिवाय इन मुद्दों के हटके ये कभी बग्गा कभी जग्गा कभी हनुमान चालीसा कभी अमजान करे अजान, ये क्या बना दिया है इस देश का? कैसा था भारत, क्या सोचा था गांधी जी ने? इनको शर्म आनी चाहिए, आप जिम्मेवार चैनल के एंकर है, ऐसे मुद्दे मत लिया करो, ये भड़का रहे हैं जनता को। मैम, बेरोजगारी पे बोलो, शिक्षा पे बोलो, आपकी राय पूछ रहे हैं कि क्या बोलो, क्या कर रखा है ये गिरफ्तारी जो है राजनीति के तहत गिरफ्तारी हुई है, हम आपकी राय पूछ रहे हैं, आप अपनी राय दीजिए, मुद्दा क्या डिसाइड करना है वो हम डिसाइड करेंगे, आप अपनी राय दीजिए। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि बग्गा पर सियासी ड्रामा कितना उचित है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो बग्गा की गिरफ्तारी हुई है या दिल्ली से किडनैपिंग की, एक बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि बग्गा की किडनैपिंग की गई है, अपहरण किया गया है और उसी आधार पर कार्रवाई की गई है। हमारे कॉलर राम जुड़ चुके हैं, जी राम दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नवीन, नमस्ते जी। मैं ये बताना चाहता हूँ जी, किडनैप क्या मतलब हुआ, जब एक बग्गा साहब तो जनता के प्रतिनिधि है ना, जनता ने चुन के भेजा है ना, उसके बाद आपके पास 5 बार नोटिस भेजा है पंजाब पुलिस ने और आप उसकी कोई मतलब के पर वो पैरवी नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो आती है और ले जाती है और ये कहते हैं कि बिना उसके कानून के, अगर बिना कानून के बिना उसके अगर उन्होंने किया है तो ये भी तो कानून का रूप ले सकते हैं, कानून के माध्यम से तो कर सकते हैं, ये कौन सा मतलब हुआ कि हरियाणा पुलिस को दिल्ली पुलिस कहती है रोकने के लिए तब वो रोकते हैं, ये कौन सा कानून है? आप अपना कोर्ट में जाओ, कोर्ट के थ्रू आप काम करो, कानून के थ्रू काम करो, आप इस तरह किडनैप कर जाकर एक आम जनता को अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है, जब किडनैपिंग नहीं होती, ये नेता मतलब है इतने बड़े हो गए जो मतलब है कि जनता के चुने हुए, और फिर मैं आपके प्रवक्ता एक बीजेपी के प्रवक्ता दोपहर वाले न्यूज में सुन रहा था, वो कह रहा है
कौन होता है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल 161 विधायकों का प्रतिनिधि कर रहे हैं और वो जनता के चुने हुए हैं, और एक राष्ट्रीय पार्टी के अब वो संयोजक भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता के अब अध्यक्ष भी हैं। ये सारी चीज समझने के इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर दिल्ली पुलिस आपके अंदर है और पुलिस आपके अंदर है तो उसके पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर सकती या दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये सिर्फ जनता को मतलब अपने अपने मतलब करते हैं। अगर बीजेपी कुछ भी करे तो ठीक, दूसरी विपक्ष का बोले तो गलत। ये हमारी मीडिया को भी समझना होगा, बहुत गलत रास्ते पे जा रही है हमारी सरकार, मौजूदा सरकार, सेंट्रल सरकार बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। इन्होंने सिर्फ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर अश्विनी जी जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी सर, मैडम नमस्कार। नमस्ते जी। मैम मैं अपनी हरियाणा सरकार का जो अभी देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है मैम, मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं देश का हरियाणा का युवा बोलता हूँ सर, उस बारे में किसी और दिन। आज जो मुद्दा है हमारा वो है कि बग्गा की गिरफ्तारी जो हुई है वो कितनी उचित है, इस पर बात कीजिए। अगर मैम जो भी कोई भी आरोपी है उसको गिरफ्तार कर ले, अच्छी बात है मैडम, उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि बग्गा की गिरफ्तारी हुई है या फिर इस पर सियासत हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर चरणजीत सिंह जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। मैडम मैं बहुत हैरान हूँ कि उनका पूरा अरेस्ट वारंट लिया गया और उसके बाद उन्होंने पुलिस ने वहाँ दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया और उनके फादर और वो पूरे थ्रू प्रॉपर चैनल एंड प्रोसेस से चले। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि तेजिंदर जी के पिताजी एक FIR करते हैं कि मेरे बेटे की किडनैपिंग हो गई और वो किडनैपिंग का इतनी जल्दी FIR हो जाती है, एक आम आदमी की तो दो तो साल लोग ये FIR नहीं दर्ज करते, FIR हो जाती है और वो हरियाणा पुलिस को VT करके बोल देते हैं कि जी इनको राउंड अप करो। और यहाँ पे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली से चलने के बाद 1.5 घंटे के अंदर हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र थाने के बाहर ड्रामा करते हैं और उसके बाद वो बिना पुष्टि करे दिल्ली पुलिस को किस और दिल्ली पुलिस इतने में वहां कुरुक्षेत्र पहुंच भी जाती है 2.5 घंटे में FIR होने के बाद रिसीव करके उनको ले जाने के लिए। हद हो गई, कमाल हो गई, तमाशा बना रखा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे लॉ का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल तो करने के हमें, लिए हमें जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि बग्गा की गिरफ्तारी हुई है या इस पर सियासत हो रही है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों की पुलिस सामने सामने है, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस, तो सियासी ड्रामा यहां पर मचा हुआ है और अब ये मामला जो है वो हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पंजाब सरकार हाईकोर्ट चली गई है, हरियाणा सरकार भी हाईकोर्ट चली गई है और हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है कि किस आधार पर जो है वो तेजेंद्र सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है।